हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक के पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ये लोग तो कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। और अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। फिर जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह नहीं कि मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है और तुमने से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिराना और पृथ्वी में अन्न उपजाना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर अकाल पड़ा, पृथ्वी पर और पहाड़ों पर, और अन्न और नए दाख मधु और ताजे तेल पर, और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर, और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी। तब शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यवक्ता को भेज दिया था उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से यह आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। फिर यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभारकर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने की 24वें दिन हुआ।